सम्माननीय शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल KL Info by केशलाल सर में हार्दिक स्वागत है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल क्रमांक 2020-649 भोपाल दिनांक 9 दिसंबर 2020 प्रति आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल विषय अध्यापक संवर्ग का IFM IC में माइग्रेशन संदर्भ मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 2020-607-608 भोपाल दिनांक 29/7/2020। कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहें। अध्यापक संवर्ग के IFM IS में माइग्रेशन एवं इनके वेतन आहरण हेतु पूर्व में संचालनालय कोष एवं लेखा के पत्र क्रमांक 1/6/2020 के तारतम्य में संचालनालय लोक शिक्षण के पत्र क्रमांक 2020-21-826 भोपाल दिनांक 4/6/2020 एवं पत्र क्रमांक बजट 2020-21-828 भोपाल दिनांक 6/6/2020 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। संवर्ग के छठवां वेतनमान की एरियर हेतु दिनांक 1/1/2016 से दिनांक 30/6/2017 तक की बढ़ी हुई राशि का भुगतान 3 किस्तों में क्रमशः 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त के प्रकाश में छठवां वेतनमान एरियर की प्रथम एवं द्वितीय किस्त का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में किया जाना था। छठवां वेतनमान एरियर की तृतीय एवं अंतिम किस्त 2020-21 में भुगतान जो पूर्व में संदर्भित आदेश के द्वारा रोका गया था, जिसे वित्त विभाग के EO नोट क्रमांक 292/2020-R/19 दिनांक 28/11/2020 द्वारा दिए गए परामर्श अनुसार छठवां वेतनमान एरियर की तृतीय एवं अंतिम किस्त के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त एरियर राशि के भुगतान हेतु संचालनालय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा योजना क्रमांक 53-84-342-64-26-69 में वित्तीय वर्ष 2020 की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, इस तरह से एरियर की किस्त भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है और जल्द ही यह छठवां वेतनमान की एरियर की किस्त हम सभी को प्राप्त हो जाएगी। और अब देखते हैं कि अगला DA और इंक्रीमेंट लगाने की स्वीकृति कब तक प्रदान की जाती है। यह नवीनतम जानकारी सभी शिक्षक साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।